स्टूडेंट्स पिछली वीडियो से आगे पढ़ते हैं बेटा कि स्टडी हाउ द फॉलोइंग वर्ब्स आर चेंज इनटू नाउन। वर्ब क्या होता है? क्रिया, और नाउन संज्ञा। की कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको कि हम संज्ञा बना सकते हैं, और उनको कैसे बनाते हैं ये इसने दे रखा। जैसे इन्फॉर्म, इन्फॉर्म वर्ब है सूचित करना, और इसके ए आई ओ एन लगाने के बाद हो गया इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं। इसी तरह से अप्लाई, अप्लाई के आगे केशन लगा दिया अप्लीकेशन। एक्ट, इसके आई ओ एन लगा दिया एक्शन। एड, आई टी आई ओ एन, एडिशन। नाउन बना दिए ये वर्ब हैं, और इधर इनके नाउन बना दिए हैं। तो अब आगे इसने दे रखा है नाउ चेंज द फॉलोइंग वर्ब्स इनटू नाउन। आगे इधर ये वर्ब दे रखी हैं और इनके तुम्हें नाउन बनाने हैं। तो ये है इनवाइट, इनवाइट मीन्स निमंत्रण देना, और इसका बन गया इनविटेशन, निमंत्रण। ठीक है, सेलिब्रेट, कुछ सेलिब्रेट करना, मनाना, और ये होगा सेलिब्रेशन, उत्सव। इमेजिन, कल्पना करना, और ये होगा इमेजिनेशन। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई गुणा करना, और मल्टीप्लीकेशन गुणा करते हैं ना ये, तो हम मैथ्स में बोलते हैं ये वर्ड। तो अट्रैक्ट, आकर्षित करना, और ये होगा अट्रैक्शन, आकर्षण, है बेटा। अब आगे हमारे पास है इधर सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मीन्स घटा करना, घटाना, और सब्ट्रैक्शन घटा, ये नाउन है हमारा। कलेक्ट, इकट्ठा करना, कलेक्शन संग्रह, इकट्ठा जो संगठित हो जाते हैं उसको बोलते हैं। एग्जामिन्स मतलब किसी की पड़ताल करना, परीक्षा लेना, और ये हो गया एग्जामिनेशन, परीक्षा। कैलकुलेट, गिनना, कैलकुलेशन गणना, गिनती कर लेना उनको। पोल्यूट, प्रदूषण करना, है ना, प्रदूषित कर देना, और पोल्यूशन प्रदूषण। तो ये हमने इधर वर्ब दे रखे थे, इनके हमने नाउन बना दिए हैं। अब आगे कह रहा है यूज द वर्ब्स एंड नाउन इन एक्सरसाइज टू, ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, इनको इन योर ओन सेंटेंस, अपने सेंटेंस में तुम्हें यूज करना है। एक बार एक सेंटेंस को वर्ब में और फिर नाउन में। जैसे इनवाइट है, इनवाइट को आई इनवाइटेड ऑल माय फ्रेंड्स माय यंगर ब्रदर बर्थडे पार्टी, कि मैंने अपने सभी फ्रेंड को मेरे छोटे भाई की बर्थडे पार्टी पर इनवाइटेड किया, उनको निमंत्रण दिया। आगे है इसी को फिर हमने नाउन, इनवाइट का नाउन क्या बनाया, इनविटेशन, है ना। तो यहाँ पे हो गया माई फ्रेंड फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन दे रिसीव्ड द इनविटेशन। तो ये दो यूज कर दिए ना वर्ड। इसी तरह आगे हमने ले रखा है सेलिब्रेट, आई एम सेलिब्रेटिंग माई सक्सेस। ये सेलिब्रेटिंग को हम अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब आगे है इसको नाउन के रूप में, हिज विक्ट्री वाज ए कॉज ऑफ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन को यूज कर दिया ना हमने, विक्ट्री मतलब जीत, विजय, सेलिब्रेशन का कारण बनी, मतलब उसकी जीत की वजह से सेलिब्रेशन हो रहा है। आगे है मल्टीप्लाई लिया मैंने, मल्टीप्लाई 6/2, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो। देयर विल बी अ टेस्ट इन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन बताया था ना, गुणा, मल्टीप्लीकेशन का एक टेस्ट होना है, होगा, है बेटा। ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। इसी तरह से हमने और आगे के भी यूज कर रखे हैं। अट्रैक्ट, राम अट्रैक्टेड पीपल विद हिज ह्यूमर, राम अट्रैक्टेड पीपल, है बेटा। आगे है सी इज द स्टार अट्रैक्शन, अट्रैक्ट का वर्ब बना रखा, नहीं सॉरी, अट्रैक्ट की संज्ञा बना रखी है ना यहाँ पे। सी इज द स्टार अट्रैक्शन ऑफ द शो, अट्रैक्ट आकर्षित करना, और अट्रैक्शन आकर्षण। तो ये अट्रैक्ट का हमने नाउन बनाया है, और ये हो गया अट्रैक्शन, शो का, आकर्षण का केंद्र है वो। अगला है द गर्ल्स वर कलेक्टिंग इमली सीड्स, कलेक्टिंग, कलेक्ट का बना रखा है हमने, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, संग्रह करना।
ही हैज ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ टॉय, टॉय का उसके पास बहुत ज्यादा संग्रह है, बहुत ज्यादा है ना, बहुत सारे टॉय हैं उसके पास। डॉक्टर बिगेन टू एग्जामिन द वुंड, वुंड मीन्स होता है घाव, घाव को एग्जामिन करने लगा, डॉक्टर ने शुरू किया उसको एग्जामिन करना। तो यहाँ पे ये एग्जामिन वर्ड हमने यूज किया है। और अगला एग्जामिन का यहाँ पे नाउन क्या बन गया, एग्जामिनेशन। लास्ट एग्जामिनेशन वाज डिफिकल्ट, कि लास्ट जो एग्जामिनेशन था, जो परीक्षा थी, वो ज्यादा कठिन थी। आगे है फैक्ट्रीज पोल्यूट द एयर, कि फैक्ट्री जो भी है उनसे निकलने वाला जो धुआं है वो एयर को पोल्यूट करता है, एयर को प्रदूषित करता है। तो पोल्यूट को हम अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद है एयर पोल्यूशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम, पोल्यूट प्रदूषित करना और पोल्यूशन प्रदूषण। तो यहां हमने पोल्यूशन को इसमें यूज किया है सेंटेंस में, एयर पोल्यूशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है बेटा। वर्क इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में बनाना है। तो बेटा अब तो तुम घर पे रह रहे हो, ग्रुप्स में तो रह नहीं रहे हो, इसलिए तुम्हें अपने आप ही बनाने हैं जितने भी जो तुम्हें याद आए। हेल्प ले लेना अपने बड़े बहन भाइयों की, मम्मी पापा की, जिसकी भी। और इसमें क्या करना है कि मेक एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल, कि जो बोल्ड में दे रखे, मोटे मोटे अक्षरों में जो वर्ड दे रखा है, उस वर्ड के अलग अलग लेटर्स को अलग अलग यूज करके उनके जितने भी बना सकते हो उतने और तुम्हें वर्ड बनाने हैं। जैसे पहले, सबसे पहले ये लिख रखा है इसने माउस, MOUSE माउस, तो माउस एक वर्ड है। उसके बाद इसमें से हमें दूसरा वर्ड बनाया SOME, ये लेटर आगे पीछे करके यूज कर लेना कहीं भी। सो SUM सम, ME मी, SUE जैसे USE था, SUE हो गया, एक हमारा USE आ गया, US, ऐसे ही अलग अलग हमें बनाने। जैसे अगला हमारे पास है मॉनिटर, मॉनिटर में सबसे पहले हमने बना दिया MOTOR मोटर, उसके बाद TOR एंड टोर्न, ROTR और OOT रूट, ये तुम्हें मीनिंग इनके आने चाहिए। रूट मीन्स होता है जड़, रूम ROO और फिर M, रूम, रूम मीन्स कमरा, TIN टिन टन, ऑन मून मूट, रोट राउट, नॉट नो निट मूर। कोशिश करना बेटा तुम जितने भी बना सकते हो उतने बनाओ, जरूरी नहीं तुम सारे ही बना पाओ, लेकिन उनके मीनिंग भी होने चाहिए, वो उनकी मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनकी मीनिंग ही ना बनते हो और ऐसे ही बना दो। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने, सॉरी वर्ड्स बनाने। आगे हमारे पास है कीबोर्ड, कीबोर्ड के भी ऐसे ही मैंने यहाँ पे बना रखे है ना। कंप्यूटर, कंप्यूटर के भी बना दिए, और प्रिंटर ये भी मैंने बना रखे हैं तुम्हारी हेल्प के लिए। पहले तुम खुद बनाना और फिर देखना कि इनमें से तुमने कितने बनाए हैं, कितने नहीं बनाए हैं, और तुम्हारे सही हैं या गलत है, उसके बाद इसकी हेल्प ले लेना। ठीक है बेटा। अब आगे है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको पढ़ो। क्या पढ़ना है, कंप्यूटर कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड डिजाइन बिल्डिंग्स। कह रहा है कि कंप्यूटर सुंदर सुंदर बिल्डिंग के डिजाइन और सुंदर पिक्चर बना सकता है, ड्रॉ करता है, सकता, कर सकता है, उसमें ये एबिलिटी है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बट इट ओबे आवर कमांड, कंप्यूटर थिंक सोच नहीं सकता परंतु वो हमारे कमांड को मानता है। तो इसका मतलब कैन नॉट, नहीं कर सकता, कैन आएगा तो मतलब कर सकता है, उसमें ये एबिलिटी है, और कैन नॉट मतलब नहीं कर सकता, उसमें ये सामर्थ्य नहीं है, एबिलिटी नहीं है। तो नीचे भी हमें कैन और कैन नॉट ही यूज करना है। तो इसमें कैसे करेंगे, कंप्यूटर डैश स्टोर ऑल इन्फॉर्मेशन, सभी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर कर सकता है, इसलिए आएगा कैन। सी इज वीक इन मैथमेटिक्स, वह उसका गणित कमजोर है, गणित में कमजोर है वो। सी सोल्व दिस प्रॉब्लम, अगर कमजोर है तो प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएगी ना, तो यहां आएगा कैन नॉट, कॉन्ट। द माउस ऑफ द कंप्यूटर रन लाइक द माउस, क्या कंप्यूटर का जो माउस है वो जो हमारे घरों में माउस रहते हैं उसकी तरह दौड़ता है, नहीं, तो यहां लिखेंगे कैन नॉट, कि वो हमारे घर में भागा भागा नहीं दौड़ सकता। कंप्यूटर डैश वॉक एंड टॉक लाइक द रोबोट,
कंप्यूटर जैसे कि रोबोट चल भी सकता है, बात भी कर सकता है, ऐसे कंप्यूटर कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता ना। तो क्या आएगा? कैन नॉट। आगे है, वी डैश सेंड मैसेजेस टू एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड वेरी क्विकली यूजिंग ईमेल। ईमेल का प्रयोग करके हम कोई भी संदेश संसार के किसी भी कोने में, किसी भी एरिया में हम पहुंचा सकते हैं ना, जल्दी से पहुंचा सकते हैं। हाँ, तो यहाँ आएगा कैन, यानी कि कोई काम हो सकता है तो कैन, और नहीं हो सकता तो कैन नॉट। कोई नहीं कर सकता किसी काम को तो नॉट आएगा, कैन नॉट। ही इज ए कंप्यूटर एक्सपर्ट, वह एक कंप्यूटर का जानकार है। ही कैन हैंडल ऑल काइंड ऑफ टास्क, सभी तरह के काम वो कर सकता है। कंप्यूटर में कोई भी कमी है, कुछ भी है, उसको वो सुलझा सकता है। आई डैश सर्व यू टी बिकॉज देर इज नो मिल्क। अगर दूध नहीं है तो चाय दे पाओगे? नहीं दे सकोगे ना, चाय कैसे बनेगी दूध ही नहीं है तो। तो ये आएगा कैन नॉट, मैं तुम्हें चाय नहीं पिला सकता। क्यों? क्योंकि दूध नहीं है। रहीम डैश स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, कह रहा है कि रहीम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है, तो कर सकता है ना ये चीज, उसमें एबिलिटी है ना। तो यहाँ आएगा कैन। तो बेटा ये आप समझ गए होगे कि कैन कहाँ पे आएगा और कैन नॉट कहाँ पे आएगा। कैन आएगा कोई काम जो कर सकते हैं उसके लिए कैन, और जो नहीं कर सकते उसके लिए कैन नॉट। कैन मीन होता है सकना, समर्थ होना कुछ करने में। ठीक है।